शुभ नववर्ष। आज है 15 अप्रैल और आज बंगाली न्यू ईयर है, तो इसलिए आप सबको प्यार भरा हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी पोयला वैशाख, शुभ नववर्ष, शुभ नववर्ष। आबार बोलो, प्रथम थेके बोलो, शुभ नववर्ष बोलो। शुभ नववर्ष। तो मॉर्निंग में हमारी दिन शुरू हुई कुछ इस तरह, बहुत सुंदर एक प्रोसेशन चल रही थी। मतलब मैं उस टाइम वीडियो शूट कर लिया था, बहुत अच्छा लग रहा था देखने में, बहुत कलरफुल सबका ड्रेस था, बहुत अच्छा। वैशाख है, न्यू ईयर है, तो इसलिए स्पेशल ब्रेकफास्ट तो बनती ही है। तो इसलिए मैंने लास्ट नाइट को ही चावल और दाल को भिगो के रख दिया था और उसको मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस करके मतलब रखने वाली थी, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा मिक्सर ख़राब हो गया और पूरा के पूरा ये जो चावल और दाल है ये मैनुअली हमें पीसना पड़ा। तो ये देखिए, थोड़ा सा दरदरा सा दिखने में लग रहा है, पूरा पीसा ही नहीं था, फिर से हम लोग उसको मैनुअली पीसा था और उसके बाद थोड़ा सा इस टाइप का दिखने में है। और ओवरनाइट मैंने इसको रख दिया और नेक्स्ट डे मैंने इसको रेडी किया। तो ये देखिए, ये बन के ऐसी दिखने में लग रही है। मैंने पूरा के पूरा शूट नहीं कर पाई, तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना था, आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ कितना सॉफ्ट ये बना था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग बताना कि आप लोगों को कितना अच्छा लगता है ये। मुझे तो बहुत साउथ इंडियन डिश, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है इडली सांभर, मतलब जस्ट लाइक मैंने क्या बताऊँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा सांभर दाल भी रेडी है और इडली भी रेडी है, तो चलिए अब है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट करने के बाद एक्चुअली हम लोग ना वो पास में ही मेरे दीदी के घर है, तो वहाँ पे दीदी की एक स्टूडियो की इनॉग्रेशन थी, तो उन्होंने मतलब लक्ष्मी जी और गणेश जी की पूजा रखी थी। तो हम लोग तो ब्रेकफास्ट करके दीदी के घर गए थे वो पूजा में शामिल होने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पूजा की कुछ तैयारी कर रहे थे, तो मैंने बीच बीच में कुछ कुछ फ़ोटोशूट कर लिया, तो इसलिए मैं शूट कर रही थी, तो इसलिए मैं खुद को नहीं दिखा पाई वीडियो में। तो ये है मेरा वीडियो शूट, कुछ छोटे छोटे पार्ट की, ये देखिए ये पूरा के पूरा मतलब भगवान जी के प्रसाद वेसाद सब कुछ रेडी हो रहा है। अभी पंडित जी नहीं आए हैं, पंडित जी की इंतज़ार कर रहे हैं हम। यहाँ पे दीदी की जो स्टूडियो है, मैं आप लोग को स्टूडियो की थोड़ी सी टूर भी करा दूँ। बहुत प्यारा सा स्टूडियो है, लाइट अभी फ़िलहाल मतलब सब कुछ जल नहीं रहा था, हाँ अभी जल गया है, तो बहुत सुंदर लग रहा था ये स्टूडियो। मैं वीडियो उतनी अच्छी बना नहीं पाती हूँ, बस जितना पाया आप लोगों को उतना ही मैंने शेयर किया है, शेयर करने की कोशिश किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये एक एक फ़ोटो जो है देखो, ये कितना प्यारा सा एक है, कितना प्यारा लग रहा है ना ये सब, मतलब सब कुछ ये जो फ़ोटो है ना सब दीदी ने क्लिक किया है, बहुत अच्छे वो मतलब फोटोग्राफी करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मेरा जो लोगो है ना यूट्यूब का, ये वाला फ़ोटो भी दीदी ने खींचा था, तो फिर ये भी दीदी ने फ़ोटो स्टूडियो में लगाई है, बहुत प्यारा सा फ़ोटो है, दीदी दिखाने के लिए लाई थी, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे दीदी है दिवांश के साथ, तो बहुत अच्छा लगा उनकी स्टूडियो देखकर। ये हम है, ये हमारी फिश फ्राई है और यहाँ पे पौड़ी हो रही है। ये देखिए यहाँ पे दीदी हम सब के लिए फिश फ्राई, लड्डू एंड वाइट फॉरेस्ट केक को पैक करके भेजा है, कितना प्यारा लग रहा है दिखने में, यम्मी है, टेस्टी है बहुत, ये तो हम सब का डिनर ही हो गया है, बहुत टेस्टी था खाने में। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर हिट कीजिए। तो फिर आज के लिए बस इतना ही, खुद का ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, तब तक के लिए शुभ नववर्ष एंड बाय बाय।